हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की 3D कंपैरिजन वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ये चैनल को देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन वीडियो अपलोड होती है और इसके हर वीडियो पर आप व्यूज देखेंगे तो मिलियंस में आपको व्यूज मिलेंगे। इसी तरह से ये दूसरा चैनल भी आप देख लीजिए, इस पे भी आपको सिर्फ कंपैरिजन वीडियो और व्यूज तो आप देख ही सकते हैं, और ना ही इसमें किसी का फेस है और ना ही किसी का वॉइस, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक। तो अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो ना ही इसमें आपको अपना फेस दिखाना है और ना ही आपको अपना वॉइस देना है, फिर भी आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी वीडियो वर्ल्ड वाइज देखी जाती है, जिससे आप और भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि US जैसी कंट्रियों में RPM काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और लैंग्वेज का भी इसमें कोई झंझट नहीं है, ऐसी वीडियो हर कोई देख सकता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह की 3D कंपैरिजन वीडियो बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से और बिल्कुल फ्री में। बस आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो 3D कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप में हमें चाहिए डाटा। आपको किस टाइप का कंपैरिजन दिखाना है, जैसे टॉप 10 स्मार्टफोन, टॉप 10 यूट्यूबर, टॉप 10 वेबसाइट, टॉप 10 एंड्रॉइड ऐप, या और भी जो भी आप दिखाना चाहते हो, उसका डाटा आपको सबसे पहले कलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आप गूगल का यूज कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर अपना टॉपिक सर्च कर लेना है, जैसे मैंने सर्च किया है टॉप 10 यूट्यूबर्स। इसी तरह आपको जो भी डाटा चाहिए आपको कलेक्ट कर लेना है, और इससे रिलेटेड आपको इमेज भी डाउनलोड करके रख लेना है। जैसे मेरे केस में मुझे चाहिए यूट्यूब चैनल का लोगो, और ये चैनल किस कंट्री से है, उस कंट्री का फ्लैग भी चाहिए। तो सारा डाटा कलेक्ट कर लेने के बाद अब चलते हैं स्टेप 2 पर। अब आपको आ जाना है इस एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन है कौन सा और आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे और कहां से करेंगे, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से ही बनाया हुआ है, तो आपको यहां पर प्लस के बटन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां से ऐड करना है एक क्यूब, और इसको इस कुछ इस तरह से आपको रिसाइज कर लेना है। आपको जितना बड़ा आपको दिखाना है उतना बड़ा आप इसको रिसाइज कर लीजिए, और इसको बड़ा छोटा आप जैसा मर्जी, जितना भी बड़ा आप दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको रिसाइज कर लीजिए। अब इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक सर्कल जैसा आपको देखने मिलेगा, मटेरियल का ऑप्शन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले क्यूब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वापस आ जाना है। उसके बाद आपको कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो कलर इस क्यूब का रखना चाहते हैं उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी कलर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर क्लिक करके आप दूसरा कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ये कलर दे देता हूँ। अब यहाँ से इसको ओके कर देना है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं सबसे पहले एक इमेज। तो इमेज के लिए हम ऐड करेंगे सबसे पहले एक प्लेन क्यूब। तो यहाँ से प्लेन वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम रिसाइज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। आपको कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीछे बैक में पीछे जा रहा है, तो इसको हमें आगे ले जाके इस तरह से कुछ इस तरह से इसको इसी में क्यूब के ऊपर हमको एडजस्ट करना है। तो इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, और इसका साइज भी आपको छोटा कर लेना है, और इसको इस तरह से आपको सरका के यहाँ इसको तो जहाँ भी रखना हो आप वहाँ पर इसको ले जाइए और वहाँ पर इसको एडजस्ट कर दीजिए। अब हमें ऐड करना है इसमें सबसे पहले एक इमेज, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाना है चैनल का लोगो। तो सिंपली आपको प्लेन वाले पे क्लिक कर लेना है, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आपको, क्योंकि आप जब बहुत सारा क्यूब जब आ जाएगा ना तो आपको इमेज ऐड करने में बहुत दिक्कत होने वाला है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि आपको इमेज कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको मटेरियल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर नीचे प्लस पे क्लिक करना है। अब आप नीचे आपके सामने जो फर्स्ट वाला क्यूब आपको दिखेगा ना, इस पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट वाले सर्कल पे आपको क्लिक करना है, और अब आपको टेक्सचर पे क्लिक करना है, और फिर से आपको यहाँ पर जो प्लस वाला ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, तो अब प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी गैलरी से इमेज को सेलेक्ट करना है, और अगर ये रोटेट है तो कुछ इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। इतना काम हमारा हो गया। अब सिंपली आपको इसी पे क्लिक करके इसी का एक डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अब जो कॉपी हमने किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी किया तो प्लेन वन आ चुका है। अब कुछ इस तरह से इसको सरका के हम नीचे ले आएंगे। अब वापस से हम इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें इसको छोटा करना है,
क्योंकि अब हमें इसमें दिखाना है YouTube चैनल का नेम। अब इसको अच्छे से आपको जहाँ भी रखना हो इसको एडजस्ट कर लीजिए, और अब इसमें से हटाना है हमें इमेज, तो उसके लिए हम जाते हैं मटेरियल पे और सिंपली आपको यहाँ पर अब यहाँ से आपको कलर के ऊपर क्लिक करके आप जो भी कलर देना चाहें वो कलर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और अब हमें इसमें ऐड करना है टेक्स्ट, तो सिंपली आपको यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लेना है, और आपको इस तरह से इसको सबसे पहले आपको एडजस्ट कर लेना है। जैसे इस टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको इस तरह से आपको छोटा कर लेना है पहले। और अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्यू के पीछे जा रहा है टेक्स्ट, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करके इस तरह से आपको आगे लेके आ जाना है। अब इसको थोड़ा रोटेट भी कर लेना है क्योंकि ये अभी क्यूब के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो इस तरह से आपको बराबर कर लेना है और इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। तो इतना काम हो गया। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चैनल का नेम। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपको गूगल पे चले जाना है, आपको जो भी डाटा आपने बनाया है वहाँ से आपको, क्योंकि हमें उल्टा कॉम्पिटिशन दिखाना है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा 10 नंबर पर जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल का नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर पे आज की डेट में जो चैनल है वो है WWE। तो यहाँ से मैं इस नेम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट में जाके इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं ऊपर। अब इसको आपको प्लेन वाले के ऊपर कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पीछे जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं। और अब ये टेक्स्ट बहुत बड़ा लग रहा है तो अभी भी इसको और छोटा कर लेते हैं, जिस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये प्लेन वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। प्लेन वाले बॉक्स पे आपको लॉन्ग क्लिक करना है और टेक्स्ट पे भी आपको लॉन्ग क्लिक करना है। अब इन दोनों को करना है ग्रुप, तो यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इससे आपको ग्रुप कर लेना है। अब ये ग्रुप हो चुका है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये इस ग्रुप पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से इस ग्रुप को आपको कॉपी कर लेना है। नीचे इसको कुछ इस तरह से आपको सरका लेना है, क्योंकि अब हम इसमें नीचे दिखाने वाले हैं इस चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हैं वो दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 97 मिलियन है इसके सब्सक्राइबर। तो अब हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। सबसे पहले इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने का और इमेज चेंज करने का तरीका बिल्कुल सेम रखिएगा, अगर नहीं तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए आपको कलर चेंज करना हो या आपको इमेज ऐड करना हो तो सिंपल जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से ऐड करना है, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसका फॉलोअर। और अब हमें एक और टेक्स्ट ऐड करना है क्योंकि हमें इसमें दिखाना है इसका रैंक। तो सिंपली हम इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे ले आते हैं और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमें दिखाना है रैंक। तो अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप इसको बड़ा करके थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आपको जहाँ भी रखना हो। और अब हम इसमें इसका रैंक इंटर कर देते हैं क्योंकि ये, तो अब थोड़ा इसका कलर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। आपको जो भी कलर आपको एडजस्ट करना हो, जैसा भी कलर आपको बना देना हो, आप अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको ये कलर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट का भी हम कलर अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब इतना काम होने जाने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है फ्लैग कि ये चैनल आखिर किस कंट्री से है। उसके लिए मैंने एक फ्लैग डाउनलोड करके रखा है। अगर ये फ्लैग आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्लैग ऐड करने के लिए सिंपली मैं यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक कर लेता हूँ और 3D यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। तो 3D इंपोर्ट पर क्लिक करके मैं यहाँ से फ्लैग ऐड कर लेता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं वेविंग फ्लैग है और अब इसको यहाँ से कर देना है यस। अब इसका पोजिशन सही नहीं है तो आपको पोजिशन आपको एडजस्ट कर लेना है। जस्ट आपको वेविंग फ्लैग पर क्लिक करना है और इस तरह से आपको पहले रोटेट कर लेना है कि किस एंगल से ये सही से दिखेगा, और इस तरह से आपको आगे पीछे करके आपको रख लेना है। और इस तरीके से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा पीछे जा रहा है तो इसको यहाँ से थोड़ा आगे कर लेते हैं। ओके, ये है बिल्कुल परफेक्ट। और अब हमें इसमें ऐड करना है फ्लैग। तो फ्लैग ऐड करने के लिए हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैग का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्कल पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है। आपको डायरेक्ट टेक्स्चर पे क्लिक नहीं करना है, आपको इतना ध्यान रखना है। पहले प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला सर्कल आपको दिखेगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और अब आपको यहाँ से टेक्सचर पर क्लिक करके आपको फ्लैग ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे फ्लैग ऐड कर ले रहा हूँ क्योंकि ये US कंट्री का ये चैनल है। सारा डाटा मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके का एनिमेशन आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का एनिमेशन है। तो अब हमारा फाइनली एक क्यूब बन के तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें ऐड करना है नीचे एक बैकग्राउंड भी देना है। तो हम बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पे
प्लेन वाला क्यूब ऐड कर लेते हैं और उसको कुछ इस तरह से आपको बड़ा कर लेना है। आपको जितना जितना बड़ा बैकग्राउंड आपको रखना हो उस हिसाब से आप इसको बड़ा कर लीजिए। और अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से सिंपली आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर देना हो आप वहाँ से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कुछ अलग कलर दे देता हूँ। अब हमें इसके सामने भी एक बैकग्राउंड ऐड करना है तो हम सिंपली यहाँ से प्लेन वाला को ले लेते हैं और इसको हम रोटेट कर लेते हैं पहले। और अब इसको ले जाते हैं पीछे क्योंकि ये अभी बहुत आगे है, इसको हमें ले जाना है पीछे। इस तरह से पहले इसको सीधा कर लीजिए और अब इसको ले जाते हैं पीछे। और अब इसको आपको बड़ा कर लेना है, आपको जितना बड़ा रखना हो उतना बड़ा आप इसको कर लीजिए। और अब आपको इसका कलर चेंज कर लेना है। आपको जो भी कलर देना हो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट वाले सर्कल पे क्लिक कीजिए, कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से कलर पिक कर लीजिए आपको जो भी कलर देना हो इसका। ओके, तो अब हमारा ये फर्स्ट एक जो है ना क्यूब बन के रेडी हो चुका है। अब आपको सिंपली आपको क्या करना है, अब यहाँ से हमें करना है इसको कॉपी। लेकिन कॉपी करने से पहले सबसे पहले आपको कर देना है सभी को ग्रुप। तो ग्रुप आपको करना है, ग्रुप करने के लिए आप यहां से ये दो क्यूब को आपको छोड़ देना है, नीचे वाला दो क्यूब को छोड़ देना है और यहां से बाकी सारे क्यूब को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले क्यूब पे क्लिक कीजिए लॉन्ग क्लिक, उसके बाद आपको एक एक करके सभी को लॉन्ग क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपको ग्रुप का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रुप हो चुका है। अब सिंपली हमें करना है इसको कॉपी। तो कॉपी करने के लिए आपको दोबारा से ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कॉपी का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दो कॉपी हो चुका है। अब सिंपली हम इसको हम सरका के हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका दो कॉपी हो चुका है। इसी तरीके से आपको जितना भी कॉम्पिटिशन दिखा रहे हैं, चाहे से टॉप 20 दिखा रहे हैं, टॉप 10 दिखा रहे हैं, टॉप 100 दिखा रहे हैं, उतना आपको कॉपी कर लेना है। जैसे मेरे केस में मुझे दिखाना है टॉप 10 यूट्यूबर, तो मैं यहाँ से इसका 10 कॉपी कर लेता हूँ। या तो अब थोड़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सारा 10 के 10 कॉपी हो चुका है। और अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इस सारे ग्रुप को आपको रीनेम कर लेना है, नहीं तो आपको बाद में इसका टेक्स्ट चेंज करने में, इमेज चेंज करने में, फ्लैग चेंज करने में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको सभी को रीनेम कर देना है। जैसे अगर आप टॉप 10 बना रहे हैं तो मेरा लास्ट में है 10 नंबर, तो मैं यहां से इसको कुछ इस तरह से रीनेम कर लेता हूं, G10, G9, G8, इस तरह से आपको रीनेम कर लेना है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं मैंने सारे को रीनेम कर लिया है। अब सबसे पहले हमें इसका डाटा चेंज करना है क्योंकि यहां पर देख सकते हैं सभी में एक ही जैसा डाटा आ रहा है। तो अब हम चलते हैं रैंक वाले 9 पे। यहाँ पे अब हमें सबसे पहले इसमें ऐड करना है इसके चैनल का लोगो। तो सिंपली हम यहाँ से इसको प्लस पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको इमेज ऐड कर लेना है, वैसे ही आपको चैनल का नेम, चैनल का लोगो, सारा चीज़ आपको वैसे ही ऐड करना है जैसे मैंने बताया। और किसी और तरीके से ऐड करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगा। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम चैनल का नेम, अगर ये बाहर जा रहा है तो इसको एडजस्ट कर लीजिए। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं इसके सब्सक्राइबर कितने हैं। और अब इसमें दे देते हैं हम इसका रैंक। अब यहाँ से इसका फ्लैग भी ऐड कर लेते हैं। तो फ्लैग ऐड करने के लिए हम फ्लैग पर क्लिक करते हैं और यहाँ से प्लस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ से हम पहले वाले वाइट वाले सर्कल पे क्लिक करके यहाँ पे ये चैनल है इंडिया से, तो हम यहाँ पे इंडिया का फ्लैग इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब हमारा दो क्यूब बन के रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से आपको सारे क्यूब में आपको डाटा चेंज कर लेना है, जिस कंट्री का चैनल है, कंट्री का फ्लैग ऐड करना है, चैनल का लोगो ऐड करना है, चैनल का नेम ऐड करना है, उसके बाद आपको कितने इसके सब्सक्राइबर है वो भी ऐड करना है। तो अब मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं ऐड कर लेता हूं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। तो अब जैसा कि यहां पर देख सकते हैं मैंने सारे को सारा डाटा यहां पर एडजस्ट कर लिया है। अब हमें करना है यहां पर फाइनल स्टेप। तो अभी फाइनल स्टेप को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आप इसमें अच्छे से एनिमेशन कर पाएंगे। तो फाइनल स्टेप में चलते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है एनिमेशन, तो एनिमेशन पर क्लिक कर लेते हैं। और अब सबसे पहले आपको 0:0 फ्रेम पर आपको क्लिक कर लेना है। और अब हमें यहाँ पे सबसे पहले आपको सारे क्यूब को आपको इस तरह से नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको की फ्रेम ऐड कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको सभी में आपको इसको नीचे करके और की फ्रेम ऐड कर देना है। तो अब मैंने सभी को आपको इसको नीचे कर दिया है। और अब हमें इसमें ऐड करना है कैमरा, तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कैमरा का ऑप्शन आपको दिखने मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको कैमरा ऐड कर लेना है और यहाँ पर जंप इन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको जंप इन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सेलेक्ट रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 0 फ्रेम पे है तो इसको यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देना है। अब आपको चले जाना है 50 फ्रेम पे।
और अब हमें दिखाना है इसको यहाँ पर 10 नंबर वाले को, तो इस तरह से इसको जूम कर लेना है, इस तरह से आपको ऊपर कर लेना है और एक की फ्रेम ऐड करना है। और अब आपको कैमरे पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको फोकस कर लेना है कि आपको कितना कैसे आपको दिखाना है। ओके, अब यहाँ पे आपको कैमरे का भी आपको यहाँ पे की फ्रेम लगा देना है। अब यहाँ से आपको 50 फ्रेम और आगे चले जाना है और यहाँ पर आपको सिर्फ कैमरे का की फ्रेम लगाना है क्योंकि हमें 50 फ्रेम तक हमें इसको यहीं पे रखना है। और अब फिर से आपको चले जाना है 50 फ्रेम और आगे, और अब हमें कैमरे को मूव करके आपको लेके आना है चैनल नंबर 9 पे। तो अब सबसे पहले इसको आप इस क्यूब को आप शो कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको फोकस कहाँ पे करना है कैमरे को। उसके बाद आपको जस्ट आपको कैमरे पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से जूम करके आपको फोकस कर लेना है कि आपको स्क्रीन पे किस तरह से दिखना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे कैमरे का की फ्रेम लगाना है। आपको ध्यान रहे कैमरे का की फ्रेम लगाना है। उसके बाद आपको और आगे चले जाना है 200 फ्रेम पे और अब हमें इसको अब शो करना है। तो कुछ इस तरह से इसको शो करके और अब इसका की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर देना है। अब आपको 50 फ्रेम और आगे चले जाना है और अब सिर्फ कैमरे का की फ्रेम लगाना है क्योंकि हमें थोड़ी देर इसको यहाँ पर स्टेबल रखना है। और अब फिर से आगे चलते हैं 50 फ्रेम और आगे, और अब हमें कैमरे को मूव कराना है दूसरे वाले पे। तो इसी तरह से आपको सभी में एनिमेशन लगा देना है। आपका जितना भी क्यूब आपने बनाया है, जितना भी आपने कंपैरिजन बनाया है, सभी में इसी तरीके से आपको एनिमेशन ऐड करना है। तो मैं अब इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। तो अब सभी में एनिमेशन लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो अब फाइनली सभी में एनिमेशन लगाने के बाद ये सारा तो शो हो गया। अब आपको यहाँ से 100 फ्रेम छोड़ देना है, 100 फ्रेम और आगे चले जाना है और आपको कुछ इस तरह से आपको सभी को एक साथ शो कर देना है। आप जैसा भी एनिमेशन बनाना चाहो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं तो एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहो तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। और अब यहाँ पे की फ्रेम ऐड करते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। अब हम इसको प्ले कर लेते हैं और अब देखिए इसका फाइनल रिजल्ट। अब आपको फाइनली इसको करना है यहाँ से एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रेंडर का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो रेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ से रेजुलेशन सेलेक्ट कर लेना है 480, 720, 1080। तो आपको जिस भी रेजुलेशन में आपको इसको डाउनलोड करना है सिंपली आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको रेंडर पर क्लिक कर देना है। रेंडर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी ही देर में ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। अब इसमें आप बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर लीजिए और इसको आप अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये एप्लीकेशन है कौन सा। अगर नहीं पता चला है तो बस आपको सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है Prisma 3D। जी हाँ, Prisma 3D। इसी एप्लीकेशन से आप इस तरह का 3D कंपैरिजन वीडियो बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और ये बिल्कुल फ्री भी है। तो सिंपली आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।